जिसके पास जो ऑथराइज्ड ना हो अंदर जाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जनरल वी के सिंह भी इस समय अंदर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में उनके अंदर जाने के बाद से ये गतिविधियां जो हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए अगली एम्बुलेंस भी अब अंदर आ गई है, करीब 13 एम्बुलेंस हमने देखा था जो अंदर जा चुकी हैं और ये 14वीं एम्बुलेंस की तस्वीर है जो अंदर की ओर जा रही है। लगातार ये तस्वीरें अपने कैमरा के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक इन एम्बुलेंसेस को जो बाहर सड़क पर स्टैंड बाय में खड़ी थी उनको अब अंदर ले आने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस का एक एस्कॉर्ट इनको फॉलो करता हुआ लेकर आया है और इसके बाद पीछे भी एक लंबी लाइन जो है एम्बुलेंस की वो लगी हुई है। ये तस्वीरें एक के बाद एक आप तक पहुंच रही हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हलचल गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ जो लोग अंदर से रेस्क्यू करके लाए जाएंगे उनके हेल्थ अपडेट को लेकर तैयारी जो है यहां पर है। ये अब 15वीं एम्बुलेंस अंदर जा रही है और इसके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है एम्बुलेंसेस की। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 एम्बुलेंस जो हैं अभी तक यहाँ पर इस बैरिकेड के पास पहुँच गई हैं। तो ये तस्वीरें जो लगातार आप तक हम अपने कैमरा के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं जो लगातार यहाँ पर मेडिकल एड को लेकर, मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक एम्बुलेंस आपको टनल के मुहाने पर दिख जाएगी, एक एम्बुलेंस जो यहाँ पर पहुँच चुकी है टनल के मुहाने पर। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था तो कैसे SDRF के जवान जो हैं वो बेड्स लेकर अंदर गए थे, गद्दे लेकर अंदर गए थे, तकिए लेकर अंदर गए थे और इसके बाद ये जो एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है इस समय जो बैक हो रही है और इसको टनल के अंदर ले जाया जा रहा है। तो अब बस इंतज़ार हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है इस पूरे ऑपरेशन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से जिन तस्वीरों का इंतज़ार किया जा रहा था वो तस्वीरें जल्द जो है हमारे सामने आ सकती है उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे 20 एम्बुलेंसेस का मूवमेंट हमने आपको दिखाया और ये देखिए एम्बुलेंस जो है बैक होकर इस टनल की ओर जा रही है। अंदर डॉक्टर्स की जो टीम है, अंदर डॉक्टर्स की एक टीम भी आपको वहां पर दिखाई देगी टनल के ठीक मुहाने पर, जो अपने इक्विपमेंट्स लेकर इस समय मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम यहां पर आपको दिखाई देगी एम्बुलेंस के साथ में डॉक्टर्स की टीम अंदर जा रही है और लगातार अब कोशिश यही है कि वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाई जाए। जब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे उनके बाहर निकलने की भी खबर जो है वो सामने आए तो सुरक्षा पूरी तरह से है, जो कोई भी टनल के अंदर जाता है उसकी चेकिंग की जा रही है। और ऐसे में 21वीं एम्बुलेंस भी जो है वो हमको इस समय दिखाई दे रही है तस्वीरों में जो अंदर की ओर जा रही है। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस का अंदर जाना जरूरी है, लगातार ये एम्बुलेंस जो है इनका अंदर जाना जारी है और एक के बाद ये एम्बुलेंस जो है 22 और 23 एम्बुलेंस अभी तक जो हम गिन सके हैं वो यहाँ से अंदर की ओर गई हैं और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं। अब ये सीधी तस्वीरें जो सिलक्यारा टनल से हम आपको दिखा रहे हैं, सुरंग के इस मुहाने से जहाँ से लगातार 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हर तकनीक हर विशेषज्ञ का इस्तेमाल किया गया है, बड़े से बड़े आधुनिक उपकरण से लेकर रैट माइनिंग जैसी देसी तकनीक तक हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है किस तरह से, चाहे वो विदेशी एक्सपर्ट्स हों चाहे वो देसी तकनीक में जुड़े हुए एक्सपर्ट हों, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। और एक के बाद एक जैसे जैसे दिन बीता है सब ने पूरी कोशिश की है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये तस्वीरें लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट जो है वो पूरी रेस्क्यू टीम जो 17 दिन से यहाँ पर तैनात है उसकी मूवमेंट बढ़ी है। एम्बुलेंसेस का आना अभी भी जारी है, एक के बाद एक एम्बुलेंसेस जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। तकरीबन 23 एम्बुलेंस अभी तक अंदर जा चुकी हैं और इसके बाद अभी और एम्बुलेंसेस जो हैं उनका मूवमेंट अंदर किया जा रहा है। एक एम्बुलेंस हमने आपको दिखाई थी जो टनल के मुहाने से अंदर गई है और इसके बाद आप पीछे देखेंगे कि बैरिकेड के पास और एम्बुलेंस जो हैं उनको पहुँचाने का काम शुरू कर दिया गया है। 41 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया था, जैसे ही 41 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया था कि जैसे ही एक बार ब्रेक थ्रू मिलता है तो पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी ना हो ये रेस्क्यू टीम ने इंश्योर किया था। और वही तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम लगातार अपने कैमरा से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेडिकल की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है, जो
अस्थायी अस्पताल बनाया गया था, जिस इक्विपमेंट के साथ वो मौजूद थे, वो तमाम चीजें, वो तमाम तस्वीरें आप तक पाइप चल गई। एक पाइप और वेल्डिंग होना है, एक पाइप और वेल्डिंग होना है। जी सर, क्या लास्ट समझ गया क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। हाउ मच टाइम? नहीं ऐसे वेल्डिंग में एक दो घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। लेकिन ड्रिल ड्रिल तो हो गया होगा सर। सो फाइनली वी कैन से कि आज हो जाओ यार। सर सॉरी सर, सर फाइनली कब तक? लगातार जानकारी भी दी जा रही है, एक और पाइप को वेल्डिंग करके अंदर की तरफ पुश करना है, एक पाइप को पुश किया जा चुका है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग समय लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। और अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, रेस्क्यू से जुड़े लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाइए और बताइए ताजा जानकारी क्या। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गतिविधियां जैसे हम लगातार दिखा रहे हैं अपने कैमरा के जरिए कि गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी है, और तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से उस ब्रेक थ्रू के मुहाने पर हमें जिसका इंतजार पिछले 17 दिन से कर रहे हैं। एम्बुलेंसेस का आना यहाँ पर लगातार जारी है, डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो टनल के अंदर पहुँचा दी गई है, मशीनों को जो मशीनें इतने दिन से इस टनल के अंदर काम कर रही थी उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया भी जो है वो काफ़ी पहले शुरू कर दी गई थी, और अभी भी आप देखेंगे कि एक एक करके कैसे मशीन जो हैं वो बाहर निकाल जा रही हैं, और अंदर भी हम देख पा रहे हैं। अगर हम अपने कैमरा के जरिए थोड़ा जूम करके दिखा पाएं कि जो सामान यहाँ से एम्बुलेंस लेकर गई थी, जो पार्टीशन जैसा कि हम हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में देखते हैं उस तरह का पार्टीशन जो है वो अंदर उतारा जा रहा है, और इसके साथ ही एम्बुलेंस जो है आपको तस्वीरों में अंदर नजर आएगी, वो एम्बुलेंस जो अंदर की ओर गई है वो वहाँ पर आपको नजर आएगी, उसमें से सामान उतारा गया है, वो पार्टीशंस भी आपको नजर आएंगे। वहाँ पर मेडिकल की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है, और इसके साथ जगह जो है उसको पहले ही खाली करवाया जाना शुरू कर दिया गया था, और अभी भी हम देख सकते हैं कि कैसे मशीन्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे पर। आप क्या काम देखते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट जी, ये बताइए सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू करते हैं? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ बस, हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने यहाँ से लेकर सीधे चिन्यारी छोड़ जाएंगे? जी जी, चिन्यारी छोड़।